स्वागत है कुछ नहीं उठी। आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसी दिक्कत के बारे में जिस कार में पहली बार आई है और महसूस हुई है, तो वही आज मैं बताने वाला हूँ जो है स्टीयरिंग से रिलेटेड। अब देखो, बहुत पहले से पावर स्टीयरिंग कार में आ रही है और इसमें भी वही पावर स्टीयरिंग थी, लेकिन इसमें क्या दिक्कत हो रही है वो एक दो दिन से जो मैं नोटिस कर रहा हूँ वो ये है कि जैसे कि अगर इस स्टीयरिंग हम काटते हैं तो एकदम जैसे एंड में हम ले जाते हैं, चाहे हम इधर की एंड तरफ ले जाएं पूरे एंड में या फिर इधर की तरफ पूरे एंड में ले जाएं, तो ये स्टीयरिंग अटक जाती है। अटकना इन द सेंस कि या तो ये पूरी मुड़ेगी नहीं, और एक बार अगर आपने इसको मोड़ दी तो फिर क्या है जब ये वापस लाओगे तो ये जाम हो जाती है बिल्कुल, जैसे इसकी स्टीयरिंग जो है पावर स्टीयरिंग वो काम ही नहीं कर रही हो। तो वो मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या कैसे सीन होता है, तो एक बार देखो ट्राई करके दिखाता हूँ। अब देखो, पहली में दिखाया था एक उंगली से आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि कैसे चल रही कैसे नहीं चल रही। एक उंगली से मैं ऐसे आराम से मोड़ सकता हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। अब देखो ये स्टीयरिंग यहाँ पे आके रुक गई है, जबकि ये ना और इतनी इससे भी ज्यादा ये और इधर की तरफ होती है। अब देखो मैं देखो जोर लगा रहा हूँ तो देखो धीरे धीरे जा रही है, दिख रही है आपको। अब देखो अभी दिक्कत नहीं आई, ये देख रहे हो आप, मतलब पूरी दूसरी तरफ जा रही है, झटके ले लेके टाइप की जा रही है। एक बार थोड़ा आगे पीछे करके देखता हूँ क्या दिक्कत आ रही है इसमें। ये देखो यहाँ पे आके अटक गई है, ये देखो धीरे धीरे, अगर आपको पता लग रहा हो धीरे धीरे दूसरी तरफ जा रही है, ये देखो अभी ये अटक नहीं रही है, वरना अटकती भी है वापस आने में। दो तीन बार से घुमा के देखता हूँ थोड़ा आगे पीछे करके, ये देखो हो गई टाइट। अब मैं कैसे आपको बताऊं कि टाइट हो रही है, ये देखो एक उंगली से मैं घुमा रहा था, ये देखो पूरा मैंने दम लगा दिया है, नहीं घूम रही, ये देख रहे हो आप पूरा दम के उंगली का, मैं अपना पूरे हाथ से दिखाता हूं, देखो कितनी टाइटली जा रही है। तो ये इसमें दिक्कत आ रही है और मैं अभी फोर्ड के सर्विस सेंटर में जा रहा हूं। अब जैसे कार चल गई है तो अब नॉर्मल होगी स्टीयरिंग, लेकिन खड़े खड़े काम नहीं कर रही है, तो मैं फोर्ड के सर्विस सेंटर में जाता हूँ और बताता हूँ कि मेरे को इसमें उन्होंने क्या बताया और क्या इसका रहा, तो उसके बारे में मैं आपको बात करता हूँ। वैसे स्टीयरिंग की प्रॉब्लम में तो आनी नहीं चाहिए, अब देखते हैं क्या सीन है। तो यार अब हमने अपनी कार चेक करा ली है और मैं अभी घर पे आ गया हूँ, तो सिचुएशन क्या क्या हुई मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ हुई क्या दिक्कत थी। तो हुआ क्या कि पहले तो इसकी टायर में एक में हवा कम थी दोनों में आगे वालों में, तो वो पहले टायर में हवा डलवाई वहीं पर उन्होंने चेक किया, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि देखो टायर में अगर हवा कम हो फिर भी जो है इतनी हार्ड नहीं घूमती है स्टीयरिंग जितनी तब उस टाइम पे घूम रही थी। तो फिर उन्होंने हवा चेक करने के बाद फिर उन्होंने जो है अपने जो चेकअप होता है लैपटॉप से वो लगाया, लैपटॉप का वायर उन्होंने यहाँ पे जो फ्यूज बॉक्स होता है उसके पास कुछ होगा वहां पर उन्होंने लगाया, और वहां पर फिर अपने लैपटॉप में कोई ऐप वगैरह जिससे वो करते हैं सारी इसकी वो सब किया। मैं उसकी फोटोज में अटैच कर दूंगा, जो जो मैंने फोटो वीडियो लिए हैं वो सारी मैं अटैच कर दूंगा। तो देखो इसमें क्या था कि ये सब उन्होंने टेस्ट किया उसको लगा के, और उन्होंने क्या किया स्टीयरिंग का कैलिब्रेशन होता है, वो कैलिब्रेशन भी उन्होंने वापस से करके उसकी कोडिंग वगैरह कर करा के वो वापस से देख लिया उसको, तो ये भी कर लिया। अब एंड में क्या रिजल्ट आया, एंड में जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि जो इसकी मोटर है या फिर कोई भी अगर इसमें पार्ट है उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। पहले अगर आपकी स्टीयरिंग नहीं ऐसे घूमे तो जरूरी नहीं है, इस कार की मैं कह रहा हूँ, देखो और किसी की नहीं, क्योंकि हर किसी के कार में अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग जो है उसमें मैकेनिकल पार्ट्स वगैरह सारा हर चीज़ होती है, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स सब चीज़ अलग होती हैं, हर किसी अपने अलग प्रोसेस से चलते हैं। इस कार में क्या था, उन्होंने ये बताया कि देखो अगर इसकी कोई मोटर में या फिर सेंसर में अगर कोई फॉल्ट होता तो वो यहाँ पर दिखा देता, जो एक साइन आता है जिसमें स्टीयरिंग बनी हुई आती है और उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है येल्लो कलर का, तो ये वो यहाँ पर दिखा देता। बात तो उनको बिल्कुल सही थी, अगर कोई मोटर में किसी में दिक्कत होती तो वह यहाँ पर इंडिकेशन दे देता, तो इसकी वजह से पहले पॉइंट तो ये, दूसरी पॉइंट ये कि अगर मोटर में कोई दिक्कत होती तो चलते चलते जो भी जो है आपकी स्टीयरिंग जाम हो जाती, ये बात भी बिल्कुल उनकी ठीक थी, मतलब जाम नहीं होती लेकिन हाँ टाइट तो हो ही जाती, तो मोटर में दिक्कत नहीं आई। फिर उन्होंने आगे चेक वेक किया, अच्छा वो तो ये चीज़ पता लगी गई थी उनके लैपटॉप से कि मोटर में सेंसर में कोई दिक्कत नहीं है, बाई चांस यहाँ पर शो ना हो फिर भी उन्होंने जो है वो लगाया लैपटॉप और वो सारी चीज़ें करी, स्टीयरिंग कैलिब्रेशन वगैरह सब कर लिया।
तो दिक्कत एंड में क्या, उन्होंने कंक्लूजन ये दिया कि कार की जो बैटरी होती है ना, इसका जो है कार की बैटरी से कनेक्टेड होते हैं इसका जो मॉड्यूल होता है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी बात समझाता हूँ, मेरे पे और भी कार्स हैं, औरों में भी कई बार ऐसा हुआ है कि कार सेल्फ ही नहीं ले रही है, कार की बैटरी इतनी लो गई है सेल्फ नहीं ले रही है, उसका स्टीरियो भी नहीं चल रहा, कार की बैटरी बिल्कुल डेड है, लेकिन एक बार अगर वो कैसे भी जंप स्टार्ट करके ऑन हो गई तो उसकी स्टीयरिंग, अगर कार ऑन है तो स्टीयरिंग बिल्कुल ऐसे चलेगी, है ना, बिल्कुल मतलब स्मूथली चलती है, कार ऑफ है तो स्टीयरिंग अटक जाएगी। ये है दूसरी कार का सीन। इस कार में उन्होंने समझाया कि देखो हर कार के अलग अलग सीन होता है, हर कार के अलग अलग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं और सबका कनेक्शन अलग अलग चीज में होता है। तो उन्होंने क्या बताया कि इसमें जो मॉड्यूल होता है, एक स्टीयरिंग का मॉड्यूल होता है, अब देखो बाकियों को शायद मेरे को भी नहीं पता था ये बात, या हो सकता है और कार्स में भी हो, लेकिन इसमें क्या होता है कि इनकी स्टीयरिंग में भी ना कोडिंग होती है, ये भी किसी एक मॉड्यूल से चलते हैं, ठीक है। ये बात मेरे को भी नहीं पता थी, ये बात मेरे को भी आज बताई उन्होंने कि ऐसा भी कुछ होता है, अगर मतलब इनकी कोडिंग होती है ना मॉड्यूल, अगर उसमें भी कोई अगर टेक्निकल डिफेक्ट आ जाता है तो भी आपकी स्टीयरिंग जो है इम्प्रॉपर फंक्शनिंग करती है। तो ये भी एक चक्कर था, तो इसलिए वजह से उन्होंने वापस एक जो है कोडिंग वगैरह चेक करी, कैलिब्रेशन वगैरह किया। तो ये मेरे को आज पता लगा है कि ये भी है, ये इलेक्ट्रिकल चीज से चलती है, मतलब इलेक्ट्रिकल चीज, मतलब देखो इलेक्ट्रिकल मोटर तो सब में होती है लेकिन इसमें मॉड्यूल भी होता है, मॉड्यूल मतलब वही कोडिंग वगैरह वो सारी चीज होती है, बहुत सारी चीज होती है जिनका जो है एक पैक बना के फिर ये सारी चीजें चलाई जाती है। तो ये सारी चीज थी, तो उन्होंने जब ये बताया मेरे को कि देखो बाकी कार्स में क्या होता है कि नॉर्मली जो है स्टार्ट करके जो है वो इंजन से स्टीयरिंग को पावर मिल जाती है तो आपकी स्टीयरिंग फिर ऑपरेटिव हो जाती है, इसमें क्या होता है कि इसके जो है मैक्सिमम पार्ट जो है इलेक्ट्रिकल है और सारी चीजों का जो पावर मिलती है वो बैटरी के थ्रू जाके मिलती है, ठीक है। क्योंकि हमारा ये भी एक डाउट था, देखो सोचने वाली बात है कि देखो ये डीजल इंजन है, डीजल इंजन का इंजन भी भारी होता है, तो एक सेल्फ में मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ, एक सेल्फ में कार बिल्कुल स्टार्ट हो रही है, इसका जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम कोई भी इलेक्ट्रिकल पार्ट आप कह लीजिए सब बिल्कुल जो है प्रॉपर चल रहा है। तो वही हमारे एक डाउट था कि जब एक स्टार्ट में वो सेल्फ ले रही है बाकी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स भी चल रहे हैं, लाइट्स वगैरह हर चीज, तो फिर ये चीज क्यों। तो उन्होंने बताया कि इसमें जो मॉड्यूल होता है, जो इसकी मोटर होती है, वो उसको ना ज्यादा पावर चाहिए होती है। और दूसरी चीज उन्होंने ये भी बताई कि जो है इसका स्टार्ट करने का सेल्फ जो है वो जस्ट नीचे लगा हुआ है बैटरी के, और ये जो मॉड्यूल है ये थोड़ा इसमें ट्रैवलिंग मतलब वायर कनेक्शन वायर लेंथ थोड़ी ज्यादा है तो उसका भी हो सकता है इफेक्ट पड़ता हो। कुल मिला के बात ये निकली कि इसकी जो बैटरी है वो हो सकता है लो हो या बैटरी कमजोर हो गई हो, जिसकी वजह से स्टीयरिंग पर इफेक्ट दिख रहा है हमें अभी से। और एक चीज और, आप जिन जिन के पास कार है या बाइक भी है उनको बहुत अच्छे से पता है कि स्टीयरिंग की आपकी अगर बैटरी लो हो या कमजोर हो तो गर्मियों में तो बहुत अच्छी चल जाती है, लेकिन सर्दियों में वो बैटरीज अक्सर दिक्कत करती हैं, और सर्दियों का टाइम देखो शुरू होने ही वाला है, मौसम अब ठंडा रहता है तो हो सकता है उसकी वजह से ये बैटरी भी अब दिक्कत करनी शुरू कर दी हो इसने। तो उन्होंने यही बताया कि अब अगर इसकी मोटर में या किसी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पार्ट में वायरिंग में सेंटर में सेंसर में किसी में कोई दिक्कत नहीं है, अब इसका सोल्यूशन ये है कि अगली बार अगर ये चीज होती है स्टीयरिंग का तो इसकी बैटरी चेंज होगी। कुल मिला के बात ये है और कुछ नहीं है, इसकी बैटरी चेंज होगी, बाकी सब ठीक है, कार में कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये थी एक वीडियो आपको बताने के लिए कि बाय चांस अगर आपके स्टीयरिंग में अगर आगे जाके ऐसा कुछ हो कि वो अनरिस्पॉन्सिव बन जाए चलते चलते जब अगर उसका इंजन स्टार्ट भी है, तो आप जो है ज्यादा ना घबराएं, आप ये चीज सोच सकते हैं कि देखो स्टीयरिंग अगर रुक रही है तो हो सकता है वो इलेक्ट्रिकल पार्ट, देखो अलग अलग कार का अलग अलग होता है, मैक्सिमम कार्स में जो है इंजन स्टार्ट रहता है तो स्टीयरिंग भी अच्छी चलती है, लेकिन इसमें अलग सिस्टम है, औरों में भी हो सकता है और अलग सिस्टम हो, हर किसी कार का अपना अपना जो है सिस्टम होता है। तो ठीक है, ये थी वीडियो आपको बताने के लिए कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया और उसका क्या सोल्यूशन निकला। कई बार लोग जो है चीजों को बड़ा समझ लेते हैं कि अरे यार स्टीयरिंग नहीं चल रही अब तो मोटर ही चेंज होगी या कुछ होगा, तो और क्या प्रॉब्लम निकलती है कि बैटरी लो है या बैटरी खराब होने वाली है कमजोर है। देखो मैं ये नहीं कह रहा बैटरी का खर्चा सस्ता है, लेकिन है तो वो एक बहुत माइनर चीज। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, थैंक यू सो मच।